हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीरो और एक नंबर कान्हा जी के लिए ये फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3-ply की बेबी सॉफ्ट वूल यूज की है और ये वूल मल्टी कलर में है। आप किसी भी कलर में इस ड्रेस को बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जीरो नंबर कान्हा जी की जोली बनाकर रेडी कर ली है और चोली के लास्ट में हमारे पास टोटल यहाँ पर 16 यानी कि 16 डबल क्रोसियाँ हैं। 4 हमारे इधर वाली साइड और 4 इधर वाली साइड और बैक की साइड 8 डबल क्रोसियाँ हैं। तो हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो हमारा 3 के मल्टीपल्स में होगा बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मैं यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में बढ़ाऊँगी, तो यहाँ पर हमारे 18 से मैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाऊँगी। देखिए मैं इस तरह से बताती हूँ, 1 2 3 तीन चैन लेने के बाद हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का हो गया, नेक्स्ट में हमने डबल क्रोसिया बनाया। अब इससे नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया और इसी के अंदर फिर से बनाएंगे 2 बार। अब देखिए नेक्स्ट में 1 बार, 2 में हमें एक एक बार बनाना है। एक बार बनाया, इससे नेक्स्ट में भी हम एक बार बनाएंगे और नेक्स्ट में 2 बार, थर्ड में हम 2 बार बनाएंगे। अब देखिए 2 डबल क्रोसिया हमें इंक्रीज़ करने हैं, तो यहाँ देखिए हम जैसे हम एक में एक बार बनाते हैं, 2 में हम एक एक बार बनाते हैं, तो यहाँ पर हम ये 2 में ही एक बार बना लेंगे। एक बार बनाया और इसी के अंदर एक बार और बना लेंगे। अलग अलग में हमने ना बनाकर एक में ही बना लिया, यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोसिया इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट में तो हम 2 ही बार बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी ये 2 की कली बनेगी। एक हमारा एक और हमें इंक्रीज करना है, वो हम आगे करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बार, अब नेक्स्ट में 2 बार। नेक्स्ट में एक बार, उससे नेक्स्ट में भी एक बार और देखिए नेक्स्ट में 2 बार। अब देखिए नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे तो उससे नेक्स्ट में हमारे ये 2 बार। तो हम यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में हमने एक बार बनाया, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया यहीं पर इंक्रीज़ कर लेंगे, इसमें भी हम एक में 2 बार बनाएंगे, तो हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया और एक हम नेक्स्ट में, तो हमें 2 की कली बनानी है, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमारे बनेंगे। देखिए 2 डबल क्रोसिया हमने इस तरह से यहाँ पर एक यहाँ पर इंक्रीज़ किया है क्योंकि ये तो हमारा 2 के बाद 2 डबल क्रोसिया बनाने वाला था, उसमें हमने यहाँ पर एक डबल क्रोसिया इंक्रीज़ किया है और नेक्स्ट में हमने 2 बनाए हैं। इस तरह से हमारी ये पूरी रो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये हमारा 3 की चैन वाली डबल क्रोसिया है, तो एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोसिया है, इसको ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक को बनाया और नेक्स्ट को जो हमने ये नेक्स्ट वाला बनाया था उसको भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जो हमने 2 में एक एक बार बनाए हुए हैं उनको हम फ्रंट पोस्ट करेंगे और जो हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोसिया एक साथ बनाए हैं, एक में हमने 2 डबल क्रोसिया बनाए हैं, तो उसके अंदर अब हम यहाँ पर कली बनाएंगे। 2 डबल क्रोसिया बनाएंगे, फिर एक चैन और फिर से यहीं पर 2 बार और डबल क्रोसिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारी 4 की कली बनी। अब नेक्स्ट में भी हमने एक बनाया था, इसको ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोसिया बना देंगे, उससे नेक्स्ट में भी
फ्रंट पोस्ट करेंगे। दो को हमें फ्रंट पोस्ट करना है और थर्ड के ऊपर हम यहाँ पर जिसमें हमने दो बनाए थे यहाँ पर चार की कली बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर से यहीं इसी के अंदर दो बार और डबल क्रोशिया, एक बार बनाया और इसी के अंदर फिर से बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया। फिर देखिए यहाँ पर हमने एक में दो बार बनाए थे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज किया था हमने, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले को भी हम फ्रंट पोस्ट करेंगे और सेकंड को भी, दो को हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट में हमने ये दो बार बनाए थे, यहाँ पर चार की कली बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर से दो बार और डबल क्रोशिया सेम प्लेस पर इस तरह से। दो डबल क्रोशिया को हमने फ्रंट पोस्ट किया और दो बनाए थे वहाँ पर चार की कली बना दी। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और एक कली हमारी लास्ट में बनी है, तो टोटल हमारी यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच छः कलियाँ हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हुई हैं। अब देखिए जहाँ पर हमने ये एक चैन बनाई थी फ्रंट पोस्ट बनाने से पहले हमने एक चैन बनाई थी, उसी चैन में जाकर हम स्लिप स्टिच करेंगे पहले, फिर एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद धागा लेंगे और जो फ्रंट पोस्ट वाला हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसको ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और उसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। दूसरे को भी हम ऐसे ही उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। अब देखिए चार की कली आ गई है, तो चार की कली के सेंटर में जाएंगे जहाँ एक चैन बनाई थी, वहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब के बार हम छः की कली बनाएंगे, यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेंगे और फिर से थ्री टाइम यहीं पर डबल क्रोशिया बना देंगे, वन टू एंड थ्री इस तरह से। फिर से हमारे फ्रंट पोस्ट आ गए, तो फर्स्ट वाले को ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। सेकंड को भी इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जो फ्रंट पोस्ट है उनको हम हर राउंड में फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे और कली के बीच में हम यहाँ पर देखे सेंटर में आ गए दो चैन के अंदर, यहाँ पर छः की कली बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, तीन एक चैन, तीन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। इस रो को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ हमने एक चैन बनाई थी वहीं पर जाकर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से एक चैन लेंगे और जो हमारा ये फर्स्ट फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, दो गए। नेक्स्ट को भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए जो हमने ये कली बनाई थी इसके बीच में सेंटर में हमने एक चैन बनाई थी, तो वहाँ पर जाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पहले हमने शुरू में दो डबल क्रोशिया, एक चैन, दो डबल क्रोशिया बनाए थे, नेक्स्ट में हमने तीन डबल क्रोशिया, एक चैन, तीन डबल क्रोशिया। अब के बार हम यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से चार बार और डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने के बाद जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला है डबल क्रोशिया इसको ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फर्स्ट वाले को भी और सेकंड वाले को भी ऐसे। और इससे नेक्स्ट राउंड में हम चार की जगह यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया, एक चैन, पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर नेक्स्ट राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने फाइव डबल क्रोशिए, वन चैन, फिर से फाइव डबल क्रोशिए और फ्रंट पोस्ट के अंदर फ्रंट पोस्ट।
और जहाँ पर एक चैन नहीं थी वहाँ पर जाकर हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखिए फिर से हम एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद जो फ्रंट पोस्ट वाले हैं उनको हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से फर्स्ट वाले को बनाया, फिर सेकंड को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए जितने भी हमारे ये डबल क्रोसिए हैं, देखिए यहाँ पर जाएंगे फर्स्ट वाले के अंदर और दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। एक बार बनाया और सेम प्लेस पर फिर से डबल क्रोसिया बनाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट के ऊपर दो बार, एक बार बनाया और फिर से यहीं पर दूसरा डबल क्रोसिया, फिर थर्ड के ऊपर दो दो बार हमें डबल क्रोसिया बनाते हुए जाना है। एक बार बनाया, यहीं पर दूसरा डबल क्रोसिया। अब देखिए जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी वहाँ पर भी हम दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से दूसरा डबल क्रोसिया। नेक्स्ट में जाएंगे, इसी तरह से दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट के ऊपर दो बार, एक बार बनाया और फिर से यहीं पर अब देखिए लास्ट के ऊपर आ गए, लास्ट के ऊपर भी दो बार डबल क्रोसिया, एक बार बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोसिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर एक के ऊपर हमने दो दो बार डबल क्रोसिया बनाते हुए यहाँ फ्रंट पोस्ट तक आ गए हैं। अब देखिए जो फ्रंट पोस्ट वाले हैं उनको हम उसी तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फर्स्ट को फ्रंट पोस्ट किया और सेकेंड को भी इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर से देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट में आ गए। नेक्स्ट का जो हमारा ये फर्स्ट और सेकंड के बीच है यहाँ पर फिर से हम दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। हर एक के ऊपर दो दो बार डबल क्रोसिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर दो फ्रंट पोस्ट हैं इनको फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा, पत्ती बन जाएगी और इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी वहाँ पर जाकर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। इस तरह से और इसको क्रोशे की हेल्प से हम नीचे की तरफ कर देंगे। देखिए बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। ये मैंने 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। अगर आप बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप ये बीच की रो ज़्यादा लगाएं, उसके बाद ये लास्ट वाला रो बनाएं। देखिए ये बिल्कुल फ्लावर की शेप में हमारी ड्रेस बनकर रेडी हुई है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।